अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm sorry. अमृता, जो तुमने मेरे लिए किया ना, उसके लिए मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाभी, यहाँ आइए जल्दी। I'm so sorry, मैं बाद में तुम्हारी बात सुनती हूँ। एक्चुअली मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे ढूंढ लेना। हाँ अरे, मेरी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। विराट को कॉल करके बताता हूँ। को बताना होगा। एक मिनट। चलो वो देख, तूने कहा था ना एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटी मेरी उस पे से। क्या अब आंटियों पे भी नजर रखता है क्या तू? क्या हो गया तुझे? नहीं नहीं आंटी नहीं, देखना वो शिका। तूने तो कहा था नजरें गड़ा करके रखना, तो वही तो कर रहा हूँ। भाई ये तब से वहाँ बैठी हुई है, कुछ ना कुछ तो कांड करने वाले, क्योंकि वाकई में अगर इसकी तबीयत खराब होती ना, यहाँ नहीं आती भाई ये। बेबी, तूने मेरी जिंदगी इन कांच के टुकड़ों के जैसे बना दी ना, छुपती हुई और दर्द भरी। इसका बदला अब मैं तुझसे लूं या तेरे हीरो भाई से, मगर बदला लूंगा जरूर, वो भी आज ही की रात। चिपचिपा मिटली, ये आया कहाँ से? भाई भाई,
निमी, कुछ चीजें ना छुपाई नहीं छुपती है। महाजन समझा नहीं मैं। इतना अनजान मत बनो, सब जानती हूँ मैं कि आप क्या सोच रहे हो। अच्छा क्या सोच रहा हूँ मैं? यही ना कि अमृता भाभी को अपने दिल की बात कैसे बताऊं। बोलो बोलो, यही सच है ना? ये बॉडीगार्ड ना टू मच है यार, सीरियसली पूरे टाइम मेरे सर पे खड़े रहते हैं। मुझे क्या लगता है ना, मेरे से ज्यादा ये तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए फिट बैठते हैं। हाँ देख, तू अपनी ये पक-पक से बोरिंग बातों से इनको बोर करती रही और ये तुझे इग्नोर करते रहेंगे। इग्नोर तो आप मेरा टॉपिक कर रहे हो। बाय द वे मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और मजा ले किसी की जो आपके रहते मेरी तरफ फटके भी। अब बोलो भी। देखो ये जो आपने अपने दिल पर जबरदस्ती का दरबार बिठा रखा है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे। सामान चोरी होने की रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन अपना ही सामान कोई किसी को सौंप दे तो उसकी शिकायत थोड़ी हो सकती है। स्माइल क्या कर रहे हो? अरे मुझसे तो शेयर करो एटलीस्ट कि आपके दिल में क्या है। एक मिनट, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब बातें सुन के मैं हर्ट हो जाऊंगी और मुझे किसी की याद आ जाएगी? लेट मी टेल यू वन थिंग, राजीव जैसा घटिया इंसान मेरी लाइफ से जा चुका है। ऑल थैंक्स टू अमृता भाभी, जिन्होंने राजीव जैसे घटिया इंसान को मेरी लाइफ से निकालकर मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं बहुत खुश हूं। थैंक्स टू यू एंड अमृता भाभी, अब उस इंसान का ख्याल भी मुझे नहीं आता और वो ये चीज डिजर्व भी नहीं करता। तू जानती है ना कि लाइफ सबको दूसरा मौका नहीं देती। मैं अब मेरा ही ले ले, पहले रिश्ते में धोखा खाया और उसके बाद मन बना लिया कि सारे लोग वैसे ही होते हैं। फिर पता नहीं कहां से बैंकर आटप की मेरी जिंदगी में। और अब ना उसने अपनी जगह बना लिया मेरी लाइफ में, पता नहीं कैसे। वैसे तुझे भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो समझेगा, तुझे प्यार करेगा, तेरा साथ देगा। लेकिन आज मेरी नहीं आपकी बात। वैसे यहाँ कुछ ज्यादा लोग नहीं है। आपको अपने दिल की बात अगर भाभी से कहनी है तो थोड़ा शांति चाहिए होगी ना। आइडिया, मैंने एक काम करती हूँ, बाहर वाले पैसेज में एक सेटअप करती हूँ, आप 15 से 20 मिनट में भाभी को लेके बाहर आ जाओ। थैंक्स। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।